साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, उसी तरह वाटर सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। और मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है। एक समय था जब कच्छ में मां नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात की जाती थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, वो यही कहते थे तो राजनीतिक बातें हैं, होने वाला कुछ नहीं है। कभी कभी लोग कहते थे 600-700 किलोमीटर दूर मां नर्मदा, वहां से पानी यहां कैसे पहुंच सकता है, ये कभी भी नहीं होगा। आज कच्छ में नर्मदा का पानी भी पहुंच रहा है और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। कच्छ का किसान हो या सरहद पर खड़ा जवान, दोनों के लोगों के पानी की चिंता दूर हुई है। यहां के लोगों की विशेष प्रशंसा करूंगा जिन्होंने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदल दिया। गांव गांव में लोग आगे आए, पानी समितियां बनी, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला, चेकडैम्स बनाए, पानी की टंकियां बनाई, नहरें बनाने में मदद की। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब नर्मदा का पानी यहां पहुंचा था, वो दिन मुझे बराबर याद था। जिस दिन मां नर्मदा का पानी पहुंचा, शायद दुनिया में कहीं पर भी कच्छी होगा, दुनिया में कच्छ के दूर सुदूर रहने वाला कोई कच्छी होगा, जब नर्मदा मां यहां कच्छ की धरती पर पहुंची थी, हर किसी की आंख में हर्ष के आंसू बह रहे थे। वो दृश्य मैंने देखा था। पानी क्या है ये कच्छ के लोग जितना समझ सकते हैं, शायद कोई समझ सकता है।